नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा सिर दर्द, अनिद्रा, माइग्रेन, इन सब का घरेलू इलाज कैसे करें, इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर दवाई को मैं दो बार बताऊंगा दोस्तों, और बहुत ही आसान और घरेलू इलाज है और 100% आपको फायदा होगा। बादाम का तेल आप बाजार से ला लें। बादाम का तेल सुबह खाली पेट और शाम को सोने के समय, सुबेरे खाली पेट होना चाहिए और शाम को सोने से पहले नाक में डालना है आपको। तो नाक में डालने से सिर दर्द, माइग्रेन, अनिद्रा, याददाश्त खोना, दुर्बल्य, सिर में भारीपन, पक्षाघात, कंपावत, डिप्रेशन व साइनस में विशेष लाभकारी है। तो अगर आपको अगर इनमें से कोई भी बीमारी है तो आप इसको जरूर डालें, आपको निश्चित लाभ होगा। सिर दर्द और अनिद्रा में तुरंत प्रभाव करेगा ये। बादाम रोगन को सिर में मालिश करने से भी उपरोक्त रोगों में शीघ्र लाभ होता है। तो अगर आप सर में अगर आप बादाम रोगन जो है तेल आपको मिल जाएगा बाजार में, अगर इससे आप सर की मसाज करते हैं अच्छी से तो जो है उसके मसाज से भी आपको जो है काफी फायदा हो जाएगा। तो आप ये कर लीजिए, सुबेरे खाली पेट और शाम को सोने से पूर्व आपको करना है ये। एक और उपाय बता देता हूं, चार चार बूंद गाय के घी को, जो गाय का घी होता है उसको आप जो है नथनों में डालने से अनिद्रा और माइग्रेन में आपको लाभ होगा। तो अगर आप अगर अनिद्रा से परेशान है या माइग्रेन से परेशान है तो आपको करना कुछ नहीं है, चार चार बूंद अपने दोनों नथनों में डालना है। मुरगुंडी के पत्रों का स्वरस निकालकर चार चार बूंद नाक में डालने से शीर शूल, कफज, विकारों तथा माइग्रेन में लाभ होता है। तो ये तीसरा उपाय मैंने आपको बता दिया, निर्गुंडी के पत्रों का स्वरस निकालकर चार चार बूंद नाक में डाल दीजिए आप। तो मैंने आपको तीन उपाय बता दिए, एक तो बादाम का तेल, बादाम रोगन जो है तेल आपको मिल जाएगा, कहीं भी आप ये तेल आप ले सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाता है तो वहां से ले लें, या फिर किसी भी जो आयुर्वेदिक दवाइयां होती है वहां मिल जाता है तो आसानी से ये तेल मिल जाता है। इसके अलावा गाय के घी के बारे में आपको सभी को मालूम ही होगा कि ये कितना फायदेमंद है। और तीसरा है निर्गुंडी के पत्रों का स्वरस। तो ये तीनों में से कोई भी एक आप चालू करके देख लें, आपको निश्चित लाभ होगा। लगातार 40 दिन तक करें और उसके बाद कम से कम 20 दिन गैप दें, आपको मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन में फर्क पता चल जाएगा। और जब आपको ऐसा लगे कि ये आपको आराम हो गया तो उसके बाद आप छोड़ दें। तो फिर इसके बाद जो है आप हर एक महीने में एक बार जरूर इस तरह से यूज कर लें, चाहे वो आप नाक में आप चाहे तो गाय के घी को डाल दें अपने नाक में। इससे क्या होगा कि कई सारी बीमारियां आपको होगी ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।